हरियाणा विधानसभा चुनावों की तैयारी में हर राजनीतिक दल लगा है और वहीं सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी भाजपा के भी सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो चुके हैं। बात करें राई विधानसभा की तो यहां से वरिष्ठ भाजपा नेता मोहन लाल बडोली ने जखोली मंडल में पन्ना प्रमुखों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा, हमें पार्टी के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करने चाहिए, हमें पार्टी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उन्होंने 8 सितंबर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का भी निमंत्रण दिया। जनता पार्टी का बूथ पर रहने वाला कार्यकर्ता है। जखोली मंडल की भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे 11 शक्ति केंद्र हैं, उन 11 शक्ति केंद्रों की जिस पर 65 बूथ हैं, उनके शक्ति केंद्र प्रमुख, शक्ति केंद्र पालक और शक्ति केंद्र सहायक 33 लोगों की और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर नेता यहाँ पर हैं उन सब की बैठक रखी थी। ये हमारी कामकाजी बैठक थी भारतीय जनता पार्टी के काम को गति देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है आज अब की बार 75 बार उसको पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए और हमारा जो बूथ का पन्ना प्रमुख है, पेज प्रमुख है, ये पार्टी पेज प्रमुख तक का जो हमारा कार्यकर्ता है, एक कार्यकर्ता हमारा 30 वोटों की चिंता करेगा, इस प्रकार की हमने रचना की है। और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में राय विधानसभा में उभरे और राय विधानसभा में कमल का फूल खिले, इस काम के लिए हमने ये आज बैठक की है। और इसमें हमारे सभी नेतागण, बहन कविता जी, सुनील चौहान जी, अनिल आतिल जी और मैं स्वयं और कौल सिंह चौहान जी, इन सबका आना हुआ, सबका मार्गदर्शन हुआ। किशन गढ़वाल जी हमारे जहाँ विस्तारक हैं वो इस मीटिंग में आए और सभी कार्यकर्ताओं को पन्ना प्रमुख, पेज प्रमुख तक की जो सामग्री थी उसका वितरण किया है। और वो भर के 1 तारीख और 2 तारीख और 3 तारीख ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में 3 दिन का पन्ना प्रमुख तक पहुंचने का अभियान है भारतीय जनता पार्टी का, उसको पूर्ण करने के लिए आज ये बैठक थी। आप सब आए और ये सारी कार्रवाई हमने की। अर्थ प्रकाश के लिए सोनीपत से आदेश त्यागी की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।